सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर साईं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात साईं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करने से शरीर व मन के दुख कम होते हैं। सनातन धर्म में हर घर में गायें होनी ही चाहिए। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। विनती कर रही है सासू माँ, बच्चे रो रहे हैं, दूध पिला दो। मैया डांटती है, बहुत तुम्हें काम करना है कि मेरा काम को देखना है, तुम छोड़ दो, मेरे बच्चे हैं, मैं देखूंगी। मन में दुख लेकर के अपने कार्य में लग जाती है, कोई रसोई बना रही है, कोई झाड़ू, कोई पानी भरने का काम। बहुत समय के पश्चात चरण दबा रही थी एक दिन, त्रिदेवियां अनुसुईया को प्रसन्न कर रही हैं कि कैसे भी करके इनको हम प्रसन्न कर रहे हैं। मैया ने देखा कि त्रिदेवियां लंबा घूंघट काढ़े हुए, घूंघट के अंदर ऐसा लग रहा जैसे रो रही हूं। जाओ देवी और सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, अब आप लोग भी आराम करो। नहीं मैया, सेवा करने दो, चरणों को दबाए जा रही हैं। और ऐसा लगा मैया को कि ये रुदन कर रही हैं। बहू क्या हो गया, कोई तकलीफ है क्या, कोई कष्ट है, तुम रो क्यों रही हो इतनी रात में? नहीं मैया, कुछ नहीं। बहुत पूछा तो तब त्रिदेवियां बोलती हैं, मैया हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमारे ही कारण आज हमारे त्रिदेव ये महान दुख कष्ट पा रहे हैं। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात पे, किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो बात की चिंता। भगवान के चरणों में करी हुई प्रार्थना को व्यक्त की जाती है। भीड़ पड़ी जब भक्तों पर हमारे दूर करो पर दुख हमारे, जब रावण कुंभकर्ण कंस दुशासन शिशुपाल के प्रकोप हुए, अत्याचार हुए, उस समय भी भगवान को ही पुकारा। उसके आगे भी जब जब ऐसे संकट आए तो हमारे महापुरुष ने परमात्मा को पुकारा है, क्योंकि हम भी भगवान को भूल जाते हैं। और प्रभु बोलन व्यापन सब रोग है, प्रभु को भूलने से ही सब रोग भय चिंताएँ आती हैं। अगर प्रभु याद हैं तो कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। पर जीव का स्वभाव है भगवान के परोपकार को भूल जाता है, सुग्रीव भी भगवान को दिए हुए वचन को भूल जाते हैं, पद प्रतिष्ठा पा करके सहज में ही भगवान से मुक्त हो जाता है। भगवान को वचन दिया पर पद प्रतिष्ठा राज्य पा करके विषय भोगों में ऐसे लीन हुए कि प्रभु को
या वो वचन ही भूल गए।